हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रिगार्डिंग सम हाई यील्ड क्वेश्चनज अलॉग विद दियर एक्सप्लेनशनस देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा ए क्लाइंट हैज एट्रियोवेनस फिस्टूला इन प्लेस इन द राइट अपर एक्सट्रीमिटी फॉर हेमोडायलिसिस ट्रीटमेंट वैन प्लानिंग केयर फॉर दिस क्लाइंट विच मेजर शुड द नर्स इम्प्लीमेंट टू तो प्रमोट क्लाइंट सेफ्टी दैट मीन्स कि एक पेशेंट है पेशेंट को ए वी बना है इन राइट अपर एक्सट्रीमिटी फॉर हेमोडायलिस ट्रीटमेंट इन चार ऑप्शन में से कौन सी मतलब जो कौन सा एक्शन लेना है कौन सा मेजर लेना है एक नर्स को इन ऑर्डर टू प्रमोट द पेशेंट सेफ्टी देखिए अगर हम यहाँ पे चीफ टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे तो यहाँ पे जो चीफ टर्म्स है दैट इज़ एवी फिस्टुला अगर एवी फिस्टुला की बात करेंगे एवी फिस्टुला क्या होता है एवी फिस्टुला सिंपली एक कनेक्शन होता है और वी कैन से दैट ये एनेस्टोमोसिस होती है बिटवीन आड्री एंड वेन आर्टरी एंड वेन एनेस्टामोसिस मीनज कनेक्शन मतलब यहाँ से एक आर्टरी जा रही है यहाँ से एक वेन जा रही है इन बिटवीन दिस आर्टरी एंड वेन देर इज ए कनेक्शन वी कॉल दैट हैज़ एनेस्टोमोसिस और ये जो कनेक्शन होता है दिस कनेक्शन इज़ विदिन सबक्यूटेनियस टिश्यू दैट मीनज ये जो एवी वी फिस्टूला बना होता है ये इंटरनली बना होता है बिटवीन द आर्ट्री एंड वेन किस परपज़ के लिए बनाते हैं ये क्योंकि जब हम पेशेंट को हीमोडायलिसिस करते हैं तो जो वेन में से ब्लड का फ्लो होता है वो कम होता है तो और आर्टरी में क्या होता है आर्टरी में ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है सो so, इस ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करने के लिए हम एनेस्टोमोसिस करते हैं वी फेस्टूला बनाते हैं अब अगर किसी पेशेंट को ए वी बना है फॉर एग्ज़ाम्पल राइट आर्म में बना है या लेफ़्ट आर्म में बना है तो यहाँ पर हमें क्या पूछता है क्वेश्चन में क्या पूछ पूछ रहे हमें कि राइट अपर एक्सट्रीमिटी में पेशेंट को मतलब ए वी फेस्टूला बनाया है तो ऐसे पेशेंट में हम क्या करेंगे देखिए अगर ए वी फेस्टूला की बात करेंगे जो हम मोस्टली मोस्ट कॉमनली जो फेस्टूला हम बनाते हैं दैट इज ब्रेक्यू केफेलिक फिस्टूला ये हम मोस्ट कॉमनली बनाते हैं ब्रेक्यू केफेलिक और ब्रेक्यू सफेलिक फिस्टूला अब जब पेशेंट को हमने फिस्टूला बनाया तो कुछ प्रिकॉशन हमें लेने होते हैं जैसे कि जो भी आर्म हो जिसमें फिस्टुला बना हो पहले तो वहाँ पे बीपी मॉनिटर नहीं करना है उस साइड में बीपी मॉनिटर नहीं करना है सेकंड इज मतलब वेन पंक्चर नहीं करना है वेन पंक्चर नहीं करना है वेन पंक्चर नहीं करना है मतलब ना तो ऐसी ऐसे साइड से सैंपल विड्रा करना है और ना ही कैनुलेट करना है ऐसी साइड इन एडिशन टू दैट वी हैव एस एस दिस फिस्टुला फॉर ब्रूट एंड थ्रिल थ्रिल को जब हमें एसेस करना हो इन ऑर्डर टू एसेस थ्रिल वी जस्ट वेल्पेट दिस रीजन पेल्पेट द एरिया जहाँ पे ये ए वी फिस्टूला बना हो और ब्रूट को चेक करने के लिए हम पेशेंट का जो मतलब जो एरिया होता है जहाँ पे फिस बना होता है उसको फंसकल्टेट करते हैं बाई मेकिंग यूज ऑफ स्टेथोस्कोप इससे हमें क्या पता चलता है कि वेदर ये जो ए वी फिस बना है वेदर इट इज़ पेटेंट और नॉट अब अगर हम किसी पेशेंट में बी पी मोनिटर करेंगे ऐसी साइड में जहाँ पर ए वी बना हो या वैन पंक्चर करेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या चांसेस होते हैं कि या तो पेशेंट को इन्फेक्शन होगा या फिर चांसेस ऑफ क्लॉड फार्मेशन हो सकते हैं वहाँ या फिर ये जो ए वी बना हो ए वी का फेलियर हो सकता है अब अगर ऑप्शंस की तरफ हम देखेंगे तो पहला ऑप्शन जो है दैट इज टेकिंग ब्लड प्रेशर ओनली ऑन द राइट आर्म राइट आर्म में ए वी बना है तो राइट right आर्म में तो हमें ब्लड प्रेशर मॉनिटर नहीं करना है सेकेंड थिंग यूज़ द फेस्टुला फॉर ऑल बेनिपंक्चर ये भी नहीं करना है थर्ड इज़ एनश्योर दैट स्मॉल क्लैंपस आर अटैच टू द ए वी फेस्टुला ड्रेसिंग देखिए अगर किसी पेशेंट में ए वी फेस्टूला नहीं बना हो ए वी फेस्टूला हम यूजुअली तब बनाते हैं जब लॉन्ग टर्म के लिए मतलब पेशेंट को हीमोडायलिसिस करनी हो अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए हीमोडायलिसिस करनी है पेशेंट को एट दैट टाइम ए वी फिस्टूला की जगह पे हम ए वी शंट बनाते हैं ए वी शंट में क्या होता है कि ये जो जो एसेस होती है बिटवीन द देयर इज ऑल्सो ए कनेक्शन बिटवीन आर्ट्री एंड बेन लेकिन ये जो कनेक्शन होता है दिस इज़ एक्सटर्नल ये डिफरेंस होती है बिटवीन द शंट एंड फिसोला फिरचुला में कनेक्शन इंटरनल होता है और शंट में एक्सटर्नल कनेक्शन होता है तो शंट पे अगर शंट हमने बनाया होगा तो एट दैट टाइम देयर एग्जिस्ट इज अ नीड फॉर क्लाम्प लेकिन फिस्टूला इंटरनल होता है सो देयर इज़ नो नीड फॉर क्लाइम्प एंड फाइनल इज एस इज द फेस्टूला फॉर द प्रेजेंस ऑफ रूट एंड थ्रिल उससे क्या हमें पता चलेगा कि पेशेंट का जो फिस्टूला बना है दैट इज पेटेंट सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो ए क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर हाइड्रोथेरेपी फॉर बर्न ड्रेसिंग चेंज

जो प्रोसीजर होगा पेशेंट के लिए दिस विल बी मोस्ट टॉलरेबल टू द पेशेंट और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द प्रोसीजर विल बी पेनलेस टू पेशेंट देखिए ऑप्शंस की अगर हम बात करेंगे तो पहला ऑप्शन जो है एनश्योर दैट द क्लाइंट हैज स्लीपर्स ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमने पेशेंट को फ्रॉम फ्रॉम द वार्ड ले जाना है द हाइड्रोथेरेपी यूनिट सो ऑब्वियसली वी शुड मेक श्योर दैट द पेशेंट शुड हैव स्लीपर्स बट स्लीपर्स को हम तभी इंश्योर करेंगे जब हमें पेशेंट को कैरी करना होगा बाई मेकिंग यूज ऑफ व्हील चेयर अब अगर पेशेंट को ट्रॉली पर ले जाना है सो देर इज नो नीड फॉर स्लीपर्स सेकेंड ऑप्शन इज एडमिस्टरे एनालोजिस ट्वेंटी मिनट बिफोर थेरेपी देखिए अब पेशेंट को बर्न हुआ है ये बर्न एरिया है इस बर्न एरिया पे ड्रेसिंग लगी है सो so ऑब्वियसली जब इस ड्रेसिंग को हम रिमूव करेंगे तो पेशेंट विल फील पेन

एंड ऑप्शन डी इज एडमिनिस्टर द आई वी एंटीबायोटिक्स अब पेशेंट को बर्न हुआ है सो so ओबियसली जो एंटीबायोटिक्स है वो ऑलरेडी चल रहे होंगे एज पर दूसल सो देर इज़ नो नीड टू एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स थर्टी मिनट बिफोर द सर्जरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद हार्ट फेलियर हुज ए मैगनीशियम लेवल ऑफ जीरो पॉइंट सेवन फाइव एम जी पर डी एल विच एक्शन शूड द नर्स डे की पॉइंट जो है क्वेश्चन का दट इज मैगनीशियम लेवल और वो कितनी है दट इज जीरो पॉइंट सेवनटी फाइव एम जी पर डी एल सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि जो मैग्नीशियम है उसकी नॉर्मल रेंज क्या है मैग्नीशियम का जो नॉर्मल रेंज है दैट इज वन पॉइंट टू टू पॉइंट सिक्स एम जी पर डे अब पेशेंट की जो मैग्नीशियम लेवल है दैट इज जीरो पॉइंट सेवेंटी फाइव एम जी पर डे सो देयर इज हाइपो मैग्नीशिमिया इन केस ऑफ हाइपोमैगनीशिमिया विच एक्शन शुड द नर्स टेक राइट सो पहला ऑप्शन जो है दैट इज मॉनिटर द क्लाइंट फॉर इेगुलर हार्ट रिदम्स देखिए जब पेशेंट को हाइपोमैग्नीशिमिया होगा तो जो लीथल और सीरियस कॉम्प्लिकेशन एग्जिस्ट होते हैं फर्स्ट वन इज या तो पेशेंट को डिसदमिया होगा या फिर पेशेंट को सीजर्स हो सकते हैं अब पहला ऑप्शन क्या है मॉनिटर द क्लाइंट फॉर इरेगुलर हार्ट रिदम सो ओबियसली देयर कैन एग्जिस्ट डिसमिया सो वी हैव टू मॉनिटर द पेशेंट हार्ट रिदम सो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन अगर हार्ट रिदम मैंशन नहीं किया हो तो सीजर प्रिकॉशनज अगर वहाँ पर दिया है देन सीजर प्रिकॉशन विल रिमेन द राइट चॉइस रिमेनिंग ऑप्शन की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन बी जो है दैट इज एनकोज द इन टेक एंटी एसिडस विद पॉसपेट देखिए एंटी एसिड्स जो होते हैं एंटी एसिडस रिड्यूस करते हैं एब्जॉर्ब मैग्नीशियम ठीक ऑप्शन थोड़ी टीच द क्लाइंट फूडस दैट आर हाई इन मैगनीशियम सो पेशेंट को हमें एडवाइज करना है टू टेक मैगनीशियम रिच फूड नॉट टू अवॉइड देन ऑप्शन डी में क्या पूछ रहा है प्रोवाइडेड डाइट ऑफ ग्राउंड बीफ एग्स एंड चिकन ब्रेस्ट देखिए ये जो डाइट होती है इट इज लो इन मैगनीशियम सो इन दिस सुचुएशन वी शुड एनकरेज द पेशेंट टू अवॉयड दीज फूड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ हर्नीएट लंबर इंटरवर्टेबल डिस्क हु इज एक्सपीरियंसिंग लो बैक पेन सो की पॉइंट क्या है कि पेशेंट को हर्नीटेड लंबर इंटरवर्टेबल डिस्क है हुई इज एक्सपीरियंसिंग लो बैक पेन विच पोजिशन शुड द नर्स प्लेस द कलाइंट टू मिनिमाइज द पेन दैट मीनस कि पेशेंट की पेन को मिनिमाइज करने के लिए कौन सी पोजिशन हम ऐसे पेशेंट को देंगे ऑप्शन ए इज फ्लैट विथ नीज रेजर देखिए अगर हम पेशेंट को फ्लैट रखेंगे फ्लैट रखने से पेशेंट को क्या होगा ये जो सुपाइन है सुपाइन की जो मतलब मसल्स है ऐसे मसल्स पे एग्जर्शन और वी कैन से दैट टेंशन ज़्यादा अप्लाई होगा सो बिकॉज ऑफ दैट ये जो पेशेंट है इसकी पेन एग्रीवेट होगी ऑप्शन बी इज़ हाई फॉलोर्स विथ फुट ऑफ द बेड एलिवेटेड एंड ऑप्शन सी इज़ सिम्फॉलोर्स विथ फुट ऑफ द बेड फ्लैट जब भी हम जो फुट होता है बेड का जब भी हम वो फ्लैट रखते हैं तो डेयर आकर्स द स्ट्रैचिंग ऑफ सुपाइन जब स्ट्रैचिंग होगी सुपाइन की तो ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट की जो पेन है वो एग्रीवेट होगी एंड ऑप्शन डी इज़ सिम्फॉलोर्स विद द नीज़ स्लाइटली रेजड जब हम पेशेंट की नीज़ को स्लाइटली रेज करेंगे और पेशेंट को सिम फॉलोअर्स पोजिशन में रखेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट को कम्फ़र्ट मिलती है कम्फर्ट कैसे मिलती है बिकॉज जब हम जो मसल्स होंगे ऑफ लोअर बैक लोअर बैक मसल्स दैट विल रिमेन रिलैक्सड जब मसल्स रिलैक्सड रहेंगे तो जो नर्व रूट्स होंगे वहाँ पे वहाँ पे प्रेशर कम पड़ेगा सो so, ओबियसली जो पेशेंट की जो पेन है दैट विल गेट रेड्यूसर और ऐसी पोजीशन को हम विलियम्स पोजीशन बोलते हैं विलियमस पोजीशन इज सिम फॉलोअर्स विद नीज स्लाइटली रेजर सो ऑप्शन डी विल बी द राइट